तो भाई आज आ गए अपने जिम में और आज करने वाले हैं पुल वर्कआउट, यानी कि बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट। साथ में आप लोग देखो और फॉलो करिए, देखो जिम पूरा खाली है। तो हम आ गए हैं, थोड़ा सा पानी लेके प्री वर्कआउट लेके रेडी हो जाएंगे, साथ में वर्कआउट करेंगे। आप लोग को दिखाने वाला हूँ बैक और बाइसेप्स तगड़ा करना है। ज़्यादा कुछ हैवी नहीं जाएंगे, बट प्रॉपर एक्सरसाइज जिससे कि हमारा पंप हो जाए। ये प्री वर्कआउट, आप कोई सा भी प्री वर्कआउट जो भी आप लेते हो लो, अगर आपको चाहिए कि हाँ थोड़ा सा वर्कआउट इंटेंस करना है, थोड़ा सा प्री वर्कआउट चाहिए तो ले सकते हो। प्री वर्कआउट लेने में कोई खराबी नहीं है। एक स्कूप लेने के बाद, प्री वर्कआउट पीने के बाद हम अपना वर्कआउट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से देखो आप लोगों को भी पता चलेगा कि कितना वेरिएशंस कौन सा एक्सरसाइज का करना पड़ेगा। फुल डे अगर आप करना चाहते हो, ज़्यादा हैवी मतलब आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी करना चाहते हो, तो रिपीटेशंस सेट वगैरह कम करके, वेट कम करके आप अपने तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने वर्कआउट शेड्यूल को किस तरीके से मैनेज करते हो। प्री वर्कआउट लेने के बाद हम करेंगे कुछ वार्म अप। वार्म अप सेट्स में आप सिंपल स्ट्रेचिंग कर लेंगे, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सिंपल स्ट्रेचिंग। अपने शोल्डर को जनरली क्या करोगे, शोल्डर को थोड़ा सा एक्टिव कर लोगे, यानी कि शोल्डर को रोटेट करके आप शोल्डर को थोड़ा सा बैक, जिस पे कि इंजरी का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा रोटेट करके शोल्डर और थोड़ा सा बैक को एक्टिव कर लोगे, जिससे कि इंजरी नहीं हो। उसके बाद वार्म अप करने के, वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करने के बाद आप रेडी हो जाओगे एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। ये कुछ शोल्डर रोटेटर कर लेना, जिससे कि हमारा शोल्डर का जो शोल्डर जो हमारा एक्टिव हो जाएगा। आप इसको जिस तरीके से आप रेसिस्टेंस ट्यूब वगैरह से भी कर सकते हो, थोड़ा सा स्क्वाट भी लगा सकते हो, लोअर बॉडी भी एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो। डिस्क नहीं लेना है, चाहे मर्जी आपको इंजरी अगर हो जाएगा तो आप फालतू में 2-3 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट हो जाएगा आपका, कोई वर्कआउट नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है अच्छे तरीके, और गले का भी इस तरीके से राउंड करके अच्छे तरीके से कर लो, जिससे कि आपके नेक पे नस वस नहीं कीजिए, ठीक है, मसल स्ट्रेन नहीं हो। चलो स्टार्ट करते हैं बैक का एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मशीन को चेक कर लेंगे वेट कितना है। लाइट वेट से स्टार्ट करना है और जाना है हैवी करके। तो पहला लगा रहे हैं लैट पुल डाउन, बिल्कुल अपर चेस्ट के ऊपर ऊपर लाना है रॉड को स्लोली। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा लैट पुल डाउन हो जाएगा भाई। 7 ये हमारे बैक के लिए हुआ। 8, 9 पहला एक्सरसाइज हमारा बैक के लिए रखेंगे भाई। अच्छे तरीके से बैक को एक्टिव कर लेना है। पहला एक्सरसाइज लैट पुल डाउन, बैक और बाइसेप साथ में आप लोग को ट्रेन करके दिखाता रहा हूँ स्टार्टिंग से। अभी प्री वर्कआउट पीने के बाद हमारा पहला एक्सरसाइज वार्म अप के बाद हमारा ये हुआ लैट पुल डाउन, ठीक है, पहला सेट हुआ हमारा। दूसरे सेट में क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट को कर देंगे इंक्रीज। ये देखो 3-4-5 प्लेट पे हम किए थे, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, अपने हिसाब से एडजस्ट करना वेट को। फिर वापस हमारा दूसरा सेट हो जाएगा, और दूसरे सेट में थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके सेम तरीके से आपको परफॉर्म करना है। बिल्कुल अपर चेस्ट के सामने सामने लाना है और बैक स्क्वीज करना है। 1, 2, 3, 4 कोई जल्दबाजी नहीं है, ना आप अपने ज़्यादा बॉडी को मूव करोगे, बॉडी को स्टेबल रखोगे, बिल्कुल अपर चेस्ट के सामने सामने रॉड को लाओगे, आपका बैक बेहतरीन तरीके से एक्टिव हो जाएगा। आप मेरे साथ ही बस फॉलो करो। अगर आपका पुल डे है और बैक और बाइसेप्स करना चाहते हो, बस जो जो एक्सरसाइज मैं बताता जा रहा हूँ आप लोग फॉलो करते जाओ, सेम रिजल्ट आपको सेम तरीके से सेम रिजल्ट मिलेगा अगर आप सेम एक्सरसाइज करोगे तो। ये हमारा दूसरा सेट हो जाएगा भाई लैट पुल डाउन का, जिसमें कि वेट इंक्रीज करके आप अपने सामने देख सकते हो किस तरीके से एक्सरसाइज खत्म हो रहा है। 15-20 रिपीटेशंस, 21 रिपीटेशंस जाएगा, रिपीटेशंस ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आपके पास स्ट्रेंथ बचा है। तीसरा सेट में थोड़ा बहुत पंप हो गया तो हम टी शर्ट उतार लिए भाई, और तीसरा सेट में ये हम एक्सरसाइज लगा रहे हैं। इसमें आप हैवी जाओगे, मतलब पहला थोड़ा सा लाइट होगा, उसके बाद थोड़ा सा हैवी होगा, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा नहीं। पहला एक्सरसाइज अगर लगा रहे हो तो ज़्यादा ही लाइट नहीं करना है कि आपको पता ही ना चले, थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए, मतलब 3-4 प्लेट तो आपको अप्रॉक्स लेके चलना ही है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद हैवी जाओगे, ये लास्ट सेट जो हमारा होगा, ये हमारा लास्ट सेट है, इसमें पूरा का पूरा हैवी जितना आपका जान बचा हुआ लगाओगे, और 10-12 रिपीटेशंस लगा के लैट पुल डाउन हमारा जो पहला एक्सरसाइज है बैक का, उस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर दिए हैं, ठीक है। फिनिश करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लोगे 4-10-5 सेकंड का, उसके बाद वापस लोअर बैक एक्सटेंशन, बैक के जो लोअर बैक के लिए जो एक्सरसाइज होगा हमारा एक्सरसाइज नंबर सेकंड हो जाएगा, जिसमें कि क्या करना है, पांव को रखना है सामने और बैक को स्ट्रेट रखना है, और ये जो लोअर बैक पे आपका टारगेट करने का एक्सरसाइज है, बिल्कुल चेस्ट को सामने रख के पूरा बैक स्क्वीज, पीछे आके बैक स्क्वीज, बिल्कुल देख लो फॉर्म बिल्कुल स्लो रहेगा, कोई जल्दबाजी का ज़रूरत नहीं है, आराम से परफॉर्म करना एक्सरसाइज। आपका ट्रेन नहीं छूट रहा है, प्रॉपर 1 घंटा वर्कआउट को दो, ठीक है, पूरा स्लोली लेके जाना है, अच्छे तरीके से बैक पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर रिलीज़ करना है, बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है फिर रिलीज़ करना है। जब सामने हाथ को छोड़ोगे तो आपका बैक रिलीज़ होगा, जब पीछे लेके आओगे तो बैक आपका कॉन्ट्रैक्ट होके आएगा, इससे आपका लोअर बैक बेहतर तरीके से बन किएगा। पहला हमारा था बैक के लिए लैट पुल डाउन, और ये दूसरा हमारा हो जाएगा लोअर बैक एक्सटेंशन, जिसमें कि हम लोअर बैक को टारगेट कर रहे हैं। आज का एक्सरसाइज ये हमारा बैक और बाइसेप्स, तो इसका हमारा पहला सेट हो गया। हर एक एक्सरसाइज का 2-3 सेट लगाएंगे। ये देखो बैक में आपको थोड़ा सा फ्लेक्स करके दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से वाइड आपका बैक होके आएगा। फिर हमारा दूसरा सेट आपको दिखा भी दे रहा हूँ, दूसरा सेट में थोड़ा सा वेट हम इंक्रीज़ किए हैं भाई, ठीक है,
फॉर्म रखना है। भले आपका अगर फॉर्म अगर थोड़ा भी नहीं सही हो रहा है तो आप वेट कम कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना रॉनी कोलमैन बनने का, नॉर्मल वेट से ही मारो, बट फॉर्म प्रॉपर और स्लो होना चाहिए। पूरा हाथ खोलोगे फिर पीछे आगे बैक कॉन्ट्रैक्ट, पूरा हाथ खोलोगे फिर पीछे आगे बैक कॉन्ट्रैक्ट, कमर देखो कोई मूव नहीं कर रहा है, कमर वहीं पर रहेगा, चेस्ट सामने की तरफ रहेगा पूरा, बस आपका सिर्फ और सिर्फ जोर लगेगा बैक का, ठीक है, ना कोई ज़्यादा आर्म सिंकेज होगा ना कुछ होगा, पीछे आके बैक स्क्वीज, पीछे आके बैक स्क्वीज, लोअर बैक देखो कितना बेहतरीन तरीके से बन के आएगा, वाइड जो वी शेप का आप लोग चाहते हो बैक बनाना, इस एक्सरसाइज से आपका बैक बन के आएगा भाई। तो पहला हमारा हो गया लैट पुल डाउन, और ये दूसरा हमारा हो जाएगा लोअर बैक एक्सटेंशन। और इस एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा रेस्ट लो, जरूर आपको बीच में पानी वानी पी सकते हो, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है, पानी पी सकते हैं पूछते हो आप लोग तो पानी वानी पी सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा, पहला पुल डाउन, दूसरा नीचे का लोअर बैक एक्सटेंशन, और तीसरा हम लगा रहे हैं बाइसेप्स के लिए बाइसेप्स कर्ल। इस तरीके से जिगजैग रोड पे, वेट पे ध्यान मत दो, वेट अपने हिसाब से लगाओ, बट मैं एक्सरसाइज आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए है। दो हम लगाएंगे, पहला लगाएंगे दो बैक का, उसके बाद तीसरा जो हमारा एक्सरसाइज है वहाँ के बाद ये हमारा बाइसेप्स के लिए सिंपल बाइसेप्स कर्ल जिगजैग रोड पे। इसका दूसरा सेट लगाएंगे वेट इंक्रीज करके, और दूसरे सेट में भी आप वेट, हर एक सेट में वेट इंक्रीज़ करते रहना है, सेम वेट से मारोगे आपका ग्रोथ नहीं होगा भाई, चाहे 2.5 kg ही हो 5 kg हो, वेट को इंक्रीज़ करते रहना है हर एक सेट में, जिससे कि आप एक तो आपका वर्कआउट का मोमेंटम बनेगा, और दूसरा आपके मसल पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा मसल आपका ग्रो करके आएगा, ठीक है। जितना हैवी मारोगे उतना अच्छी उतना मस्कुलर आपका आराम से दिखेगा। तो पहला सेट हमारा नॉर्मल था, और दूसरे में हम वेट को इंक्रीज़ कर दिए भाई जिगजैग रोड से, इनर बाइसेप्स मसल पंप, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज होगा, थोड़ा बहुत आप लोग खुद फ्लेक्स करके दिखा दे रहा हूँ कि क्या कुछ पंप हुआ है नहीं हुआ है। नेचुरली भाई हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, आप एक्सरसाइज कितना भी करो, डाइट कितना भी रखो, बट पेशेंस नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है भाई, ठीक है। आपको उतना हैवी नहीं बना देगा नेचुरली में, बट प्रॉपर जो डेफिनेशन चाहिए, हर एक मसल एक एक मसल आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा लगा रहे हैं बाइसेप्स कर्ल, जो कि हम लगा रहे हैं डंबल के साथ, ठीक है, डंबल के साथ भी लगा रहे हैं। ये 10 kg का ही डंबल है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं लगा रहे, लेकिन फॉर्म हमारा प्रॉपर रहेगा, बॉडी ज़्यादा हमारा मूव नहीं करेगा। और अल्टरनेट बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं डंबल के साथ, जिसमें कि स्लोली रिलैक्स कर रहे हैं, फिर ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कर रहे हैं, फिर ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि हमारा बाइसेप्स का इनर बाइसेप्स मसल्स अच्छे तरीके से पंप हो किया रहा है। रेपिटेशन रखना है 25 के आसपास ही रखना है, ठीक है, क्योंकि हम पहला जो भी सेट होगा हमारा लाइट वेट से ही होगा, उसके बाद आप जो मर्जी करो। तो मैं बता दे रहा हूँ कि बाइसेप पहला जिगजैग रोड से बाइसेप्स लगाएंगे, उसके बाद डंबल लेंगे और डंबल से लगाएंगे बाइसेप्स कर्ल। इसके तुरंत बाद लगाओगे तो आपका बाइसेप्स का इनर बाइसेप्स मसल अच्छा होकर आएगा, और बाइसेप्स आपका राउंड और थोड़ा सा वॉल्यूम उसका बढ़ के आएगा। ये देखो पंप भी देख सकते हो आप लोग, वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ के आएगा, और ये फ्लेक्स भी करके बीच में जो दिखा दे रहा हूँ, फ्लेक्स करके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बाइसेप्स मार रहा है तो बाइसेप्स पंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे कि लगेगा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके तुरंत बाद हम लगाने वाले हैं फिर से बैक का। बैक का ये एक्सरसाइज है डंबल रोज, जिसमें कि आपको ग्रिप रखना है, हाथ सामने की तरफ रखना है, ठीक है, और पूरा हाथ को नीचे छोड़ना है। दूसरा अल्टरनेट जिसमें यहाँ पर डंबल रहेगा जिस हाथ में, उसको पूरा नीचे छोड़ना है, फिर ऊपर आके बैक स्क्वीज, इस तरीके से बैक पे फोकस करके 20-25 रेपिटेशन लगाना है। और इसमें भाई हैवी लगा सकते हो, इसमें हैवी लगाओगे तभी आपको फ़र्क पड़ेगा, चाहे 15 से स्टार्ट करो, 20 लगाओ, 25 लगाओ, 30 लगाओ, 3-4 सेट इसका आपको लगाना है डंबल रोज। पहला हमारा क्या था पुल डाउन, दूसरा क्या था लोअर बैक, तीसरा हमारा बाइसेप्स कर्ल के लिए दो एक्सरसाइज, एक जिगजैग रोड के साथ, एक डंबल के साथ, और ये हमारा हो गया डंबल रोज हमारे बैक के लिए, ठीक है, जिसमें कि पूरा हाथ को नीचे छोड़ना है, फिर ऊपर आके बैक स्क्वीज, पूरा हाथ को नीचे छोड़ना है, ऊपर आके बैक स्क्वीज। बिल्कुल मैं आप लोगों को ध्यान से जिस तरीके से बताता जा रहा एक्सरसाइज को समझो भाई, किस तरीके से आप थोड़ी देर के लिए बैक को छोड़ रहे हो, फिर से बैक को एक्टिव कर रहे हो, बैक को छोड़ रहे हो, इससे आप क्या हो रहा है थोड़ा सा बैक मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स होने दे रहे हो, फिर वापस से उस पर काम कर रहे हो, फिर रिलैक्स होने दे रहे हो, फिर वापस से उस पर काम करो, इससे क्या होगा आपका बैक भी एक्टिव होकर रहेगा, आपका बाइसेप्स भी एक्टिव होकर रहेगा। इसका मतलब आपका आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई बैक पंप और बाइसेप्स दोनों, मतलब ऑल ओवर हमारा जो है बैक और बाइसेप्स दोनों पंप होना चाहिए, तो इस तरीके से परफॉर्म करोगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा बैक को रेस्ट दो, फिर बाइसेप्स मारो, फिर बाइसेप्स को रेस्ट दो, फिर बैक मारो, इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। और वेट तो इंक्रीज करते ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, 20-25 जाओ, 25-30 जाओ, 30-35 जाओ, जब तक वेट नहीं उठाओगे बैक आपका वाइड होके नहीं है। मेरा बैक थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए मैं बैक पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बहुत सारे वेरिएशन ट्राई कर रहा हूँ, रिजल्ट तो आप लोगों को दिख ही रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे बैक को थोड़ा सा देंगे रिलैक्स, और उसके बाद लगाएंगे हैमर कर्ल। हैमर कर्ल लगाएंगे, हैमर कर्ल में आपको टी शर्ट पहन लिया मैं, क्योंकि भाई कुछ मतलब आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा कि यार कोई अगर आप इस शर्ट खोल के इस फ्लेक्स भी ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए फ्लेक्स भाई, ठीक है। तो मैं टी शर्ट पहन के सिंपल लगा रहा हूँ बाइसेप्स हैमर कर्ल, ठीक है।
इसमें हम बाइसेप्स के चौड़ाई पे काम करेंगे और इसमें भी स्लो जाना है। एक्सरसाइज जो भी करो भाई, दिखाने के लिए नहीं करना है कि हम 40 बार मार दिए, 45 बार मार दिए, हम 20 बार ही मारे, बट फॉर्म हमारा प्रॉपर रहे। हम वेट ज़्यादा नहीं मारे बट फॉर्म हमारा प्रॉपर रहे, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करना है। ये हम हैमर एक्सरसाइज लगाए हैं, पहला ये 15 kg के साथ लगाए हैं, 15 kg के साथ, और नेक्स्ट हम लगा रहे हैं 25 kg के साथ। स्लो जाना है ऊपर, कोई ज़्यादा हैवी करने का लिफ्ट, हैवी करने का एक दिन होता है कि हाँ आज आपको हैवी लिफ्ट करना है। और आपको अगर आप स्प्लिट वर्कआउट कर रहे हो या पुश पुल कर रहे हो तो उसमें प्रॉपर करो कि 3 exercise का, 4 exercise का, 5 exercise का, इस तरीके से आपको पैटर्न में आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हैमर कर्ल के बाद कुछ अभी दिखा रहा हूँ आपको बाइसेप्स भी, किस तरीके से क्या कुछ पंप हुआ है बाइसेप्स का, क्या कुछ पंप हुआ, उसके बाद फिर बैक पे जाएंगे भाई। ये देखो बाइसेप्स का कुछ क्या कुछ पंप हुआ है। फिर हम लगाएंगे बैक के लिए, आपको क्या करना है, सिंपल केबल पे लगाएंगे 15 से 20 रिपीटेशन इस तरीके से, ठीक है। आपको इस पर भी ध्यान देखना है, बैक आपका स्ट्रेट रहेगा, बैक जब भी तक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट रहेगा और हाथ को पूरा नीचे लेके जाना है जिससे कि हमारा बैक भाई अच्छे तरीके से बैक पे काम हो, लोअर बैक अच्छे तरीके से एक्टिव हो। इस पर वेट आप ज़्यादा धीरे से 3 sets स्टार्ट करो, लाइट वेट से स्टार्ट करोगे और फिर हैवी जाओगे, जिससे कि आपका बैक जो है भाई, बैक का चौड़ाई बढ़ के आएगा। इस एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में नहीं करना है, जब एक्सरसाइज आपका खत्म होने वाला रहे तो, और इस एक्सरसाइज को भी स्टार्टिंग में नहीं करना है, ये भी आपका लोअर बैक के लिए है, इसको भी स्टार्टिंग में नहीं करना है। जब आपका एक्सरसाइज सब फिनिश हो जाए तो आप इसको ऐड करोगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने का यही फॉर्म है कि आप चेस्ट को सामने रखोगे, बैक स्ट्रेट रहेगा, पाँव को थोड़ा सा बेंड करोगे और बिल्कुल पेट के नीचे वाला हिस्से पे, यानी कि लोअर एब्स पे आप लेके आओगे और बैक आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना अच्छे तरीके से बैक पे काम करो उतने अच्छे तरीके से हम बाइसेप्स पे भी काम किए हैं, तो बैक और बाइसेप्स दोनों ही हमारा पंप हो जाएगा और जिस तरीके से रिजल्ट चाहिए हमको बिल्कुल उसी तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आज के वीडियो में। तो इस एक्सरसाइज को आज के दिन अगर आपको पुल डे है, बैक और बाइसेप्स ट्रेन करना है, तो भाई के साथ फॉलो करो, आपका भी बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जब एक्सरसाइज खत्म करने वाले हो तब लगा लो आप पुल अप्स, 2 बारी लगे, 4 बारी लगे, 7 बारी लगे, 5, जितना लगे, कम से कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगे, लेकिन अभी का जो पुल अप्स का रिजल्ट है वो आपको उसके रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में कहीं ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपका पूरा एग्जॉस्ट हो गया, पूरा जान बिल्कुल ही नहीं बचा होगा, तब जो जान लगेगा तो आपका बैक बिल्कुल वी शेप का आपका बन के आएगा भाई, ठीक है। ये देखो इस तरीके से फ्लेक्स करके दिखा रहा हूँ, बैक किस तरीके से टी शर्ट के ऊपर से भी